नंबर एक। गाइस अभी जो ओस्कर हुआ है उसमें इंडिया की जिस डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ना, अब उसी फिल्म के दो बड़े नायक नायिका जिसमें 53 साल के बोमन और 56 साल की बेली हैं, वो हम ना खुश हैं क्योंकि वो ओस्कर जीतने के बाद भी अपने बच्चे अम्मू और रघु से दूर हो गए हैं। दरअसल अम्मू और रघु दोनों हाथी हैं जिन पर ये शॉर्ट फिल्म बनी है, लेकिन अवार्ड के बाद उन हाथियों को फॉरेस्ट वाले ले गए जिससे बोमन और बेली दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उन दोनों ने इन हाथियों की देखभाल अपने बच्चों से भी बढ़कर की थी। गाइज जरा सोचिए कि बोमन और बेली को ओस्कर जीतने के बाद भी खुशी से ज्यादा अपने हाथियों से बिछड़ने का गम है। नंबर दो, हमारी सेना के जवान सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि सरहदों के अंदर भी हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ऐसे एक वाक्य देखने को मिला जहां देश के दो जवानों ने मिलकर आधी रात को सुनसान सड़क पर फंसे एक परिवार की मदद की। दरअसल इस परिवार में एक व्यक्ति के साथ एक महिला और एक छोटी बच्ची थी जो की बाइक खराब होने की वजह से आधी रात को सुनसान सड़क पर फंस गए थे। हालांकि इस दौरान परिवार ने आने जाने वाले राहगीरों से मदद की गुहार लगाई लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, और तभी वहां से गुजर रहे आर्मी के दो जवानों ने मुसीबत में फंसे इस परिवार को देखते ही अपनी बाइक रोकी और उनकी मदद के लिए आगे आए। हालांकि पहले उन दो जवानों ने किसी तरह खराब बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने खुद ही अपनी बाइक उस परिवार को दे दी ताकि वो सही सलामत अपने घर पहुंच सके।